हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिस कोचिंग सेंटर में। हमें सफलता की एक नई उड़ान, जल्दी से सभी लाइव हो जाइए क्योंकि जो आपकी क्लास है ये टाइम पर स्टार्ट हो चुकी है। तो स्पीड में जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें और वो इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है। तो आप सभी को बिल्कुल एक प्रॉपर आवाज आ रही है तो स्पीड में कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वालों में, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। स्पीड में जल्दी से शेयर कर दो जिससे कि सभी भाई जुड़ सकें। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट है, स्पीड में कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ये क्वेश्चन हमने मॉर्निंग में होमवर्क दिया था, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो अभी का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है। हाँ बिल्कुल जी सर, लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने लाइक कर दिया तो। और आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इजली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है क्योंकि क्लास जो है आपकी डेली टॉप क्वेश्चनों के साथ होती है, टॉप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा, ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है। आपको बताना है किसके द्वारा, नाबार्ड, सिडबी, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है या यूसीओ बैंक। इजली कमेंट कीजिए भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, देखो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, स्पीड में कमेंट करना। आपको फॉर्मेशन बताना है कि नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ, सिडबी का फॉर्मेशन कब हुआ, जल्दी जल्दी स्पीड में कमेंट करो। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपके, इनका हेडक्वार्टर भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, तो इजली इसका हेडक्वार्टर और साथ में इनका जो स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था, ये कब हुआ था, आप मुझे इजली कमेंट कीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सिडबी, जो कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, आपका ऑप्शन बी। आप यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नाबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी, इस डेट को लिख लो क्योंकि एग्जाम में आपसे जब पूछा जाएगा तब आप वहां पे करके जुड़वाना 12 जुलाई का भाई, 12 जुलाई 1982 को इसका फॉर्मेशन होता है, किसकी, नाबार्ड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कल ही हमने डिस्कस किया था, तो मुझे इजिली कमेंट करो भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपसे प्रेजेंट किया है, बिल्कुल सही कहा, 1982 मुंबई में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अब देखो इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका कहाँ पड़ेगा, मुंबई में पड़ेगा, ठीक है भाई, कहाँ पड़ेगा, मुंबई में पड़ेगा, और या फिर आप कह सकते हो हिंदी में मुख्यालय, ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, मुख्यालय हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नाबार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। ओके, नाबार्ड का फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई पलता है, ठीक है, और नाबार्ड के जो अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लो, गोविंद चिंतालू क्या है, नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ देखो भाई सिडबी का, ठीक है, आपको मैं सिडबी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि नोट करते चलना क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और वीडियो को लाइक कर दो भाई, जितने भी भाई लाइव हैं वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें और क्लास का बेनिफिट उठा सकें। देखो अगर मैं बात करता हूँ सिडबी का, तो इसका फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, पहले ये बताओ भाई, तो आपको बता दूँ लखनऊ भाई, ठीक है, लखनऊ में क्या पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ
कहाँ पर पड़ता है, इसकी फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आपको बता दूं 2 अप्रैल 1930 को इसका फॉर्मेशन होता है। कब होता है इसका फॉर्मेशन, तो आपको 2 अप्रैल, ठीक है, 2 अप्रैल 1930 को इसकी स्थापना होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो आप कहोगे लखनऊ में पड़ता है। इसकी फुल फॉर्म नोट कर लो भाई, इसकी फुल फॉर्म नोट करो, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जल्दी से नोट करो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रिकल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंट किया। बिल्कुल, लखनऊ जो है आपकी गोमती नदी पर बसा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी नॉलेज आपस में शेयर करते रहा करो, जिससे कि सभी भाई को नॉलेज मिल सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यूसीओ बैंक, ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और साथ में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, स्पीड में कमेंट करना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है, क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मंत्रालय के अंतर्गत है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है, आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन ए है आपके सामने संचार, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सूचना प्रश्न, या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, तो इजीली कमेंट करके बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करें आप सभी भाइयों के कमेंट्स यहाँ पे मैं देखता हूँ, ओके, आप सभी भाइयों के कमेंट्स यहाँ पे देखता हूँ, तो इजीली कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि जब आप एग्जाम में बैठो ना, तो आप वहां पे 25 में से देखो, 25 में से 20 क्वेश्चन तो वो होंगे जिसे पूरी दुनिया करने वाली है, ठीक है भाई, पूरी दुनिया मतलब कि पूरा इंडिया, पूरा इंडिया 20 क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो प्लस 5 क्वेश्चन जो होंगे ना वो थोड़े से हार्ड होंगे, तो वो क्वेश्चन आप इन्हीं में से करोगे, जितने भी मैं आपको सेट करवा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे, 100% गारंटी देता हूँ, भरोसा नहीं होता तो एक बार एग्जाम में जब बैठोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ओके, ऑप्शन सी कह रहे हैं गुलाब यादव जी, ओके, शशांक जी कह रहे हैं ऑप्शन सी, तो इजिली कमेंट कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सेट तो आपका डेली चलता ही है, मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 8 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ, मेरे पास एक ही इच्छा है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर फ्री, ओनली फ्री, टारगेट बस एजुकेशन फैलाना है और कोई टारगेट नहीं है। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है, देखो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका SSC CPO में पूछा गया भाई, कब पूछा गया आपका SSC CPO में पूछा है, और कल ही मैंने ICC के बारे में डिस्कस किया था, तो इजिली मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ICC का फॉर्मेशन कब हुआ था, बहुत सारे पॉइंट्स हमने कल ICC के बारे में डिस्कस कर लिया था, ओके, इजली कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या है। पाकिस्तान ICC पुरुष विश्व कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है, 3 बार, 1 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं पहुंचा, जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करना, और प्लीज वीडियो को क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करना है, साथ में शेयर करना है, जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें और वो क्लास का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि मैं कहता हूं ना आपसे 25 में से 20 क्वेश्चन तो वो हैं भाई, हर कोई करेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करवा रहा हूं ना मैं, वो डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा,
यहाँ पे आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान, यहाँ पे फाइव ऑप्शन नहीं है, इंडिया फाइव आर। ओके आप मुझे ये कमेंट करें, पाकिस्तान वन वन कह रहे हैं, ओके वन बार कह रहे हैं, बाकी सभी इजिली कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेली क्लास आपकी 8 बजे और मॉर्निंग में 10 बजे होती है। ओके तो आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, दो बार, दो बार, बिल्कुल दो बार इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में दो बार पहुंचा, भाई कितनी बार पहुंचा है, तो दो बार पहुंचा। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि एसएससी सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना आपका रिपीट हुआ, ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, 2019 का जो आपका एग्जाम हुआ था, 2020 का, सॉरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली मोहम्मद अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी, ठीक है, आपातकाल लगाने की क्या की थी, सिफारिश की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, 25 जून 1975 या फिर 1 जुलाई 1975, 22 मई 1975 या 1 जून 1975। स्पीड में कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% गारंटी देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीएचएसएल वरना एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। आपसे मैं यही कहूंगा कि देखो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और साथ में हर एक चैप्टर को रिवीजन करते रहो, क्योंकि मैथ्स आपको इतनी रिवीजन कर जानी है कि एग्जाम में ना क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, और वो तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे, ठीक है, आपको चैप्टर को सोल्व करते जाओ। ये मत सोचो कि मैंने एक बार सोल्व कर दिया तो अब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचो, आपको मेहनत करनी है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे मार्क्स नहीं आ जाते एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 25 जून 1975 की रात में, कब भाई, 25 जून, बिल्कुल 25 जून इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुलाब यादव जी, 25 जून 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो राष्ट्रपति लगाया गया था, राष्ट्रपति आपातकाल भाई कब लगाया गया था, ये 25 जून 1975, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक, देखो भाई अब आपके सामने बुक से क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुका है, और आपको पता है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बुक का जरूर पूछा जाएगा, तो इजली कमेंट करें भाई कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी सबसे नीचे दिख रहे हैं भाई आपको, कहाँ पे, डी ऑप्शन पे, महात्मा गांधी जी, इजली कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है भाई, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है, चार ऑप्शन प्रेजेंट हैं, जल्दी से कमेंट करना, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, या ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड दो पुस्तक जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ना पूछा जाता है। अब देखो कौन कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड होती है, पहली बुक लिख लो भाई, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपीरियंस, आपको पता है यहाँ पे मेरी राइटिंग जो थोड़ी सी गंदी आने वाली है, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है, एक तो आपको ये पुस्तक याद रखनी है महात्मा गांधी से, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और आपको बता दूं ये क्या है भाई, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा जी की, ठीक है, महात्मा गांधी क्या ये ऑटोबायोग्राफी है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। एक बुक और याद रखना, हिंद स्वराज, ठीक है भाई, हिंद स्वराज, ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये किसकी है, तो आप कहोगे महात्मा गांधी की। यहाँ पे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हिंद स्वराज की जगह अगर आपको पता है, अगर हिंद स्वराज की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन होम रूल, ठीक है, क्या, इंडियन होम रूल,
इंडियन होम रूल जो बुक है ये किसकी है, तो आप कहोगे ये भी महात्मा गांधी जी की है। इसका सेकंड नेम हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, सेकंड नेम हो जाता है हिंद स्वराज का, या तो आपका हिंद स्वराज आ जाएगा वरना इंडियन होम रूल जो बुक है ये किसकी है, महात्मा गांधी की हो जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम ये तीसरी पुस्तक हो जाती है महात्मा गांधी जी की, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या? इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, बिल्कुल मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छी बात है अब्दुल कलाम आजाद को, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही कहा आपने गुलाब यादव जी, इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये सभी बुक्स आपको पता होना चाहिए, इंडियन ऑफ माई ड्रीम एंड सेकेंड पुस्तक हो जाती है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, और हिंद स्वराज या फिर इंडिया, ठीक है, इंडियन होम रूल ये भी आपकी महात्मा गांधी जी की बुक है, और एग्जाम में ये सभी बुक्स पूछे गए हैं भाई, ये सभी बुक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तब आपको उस समय भूलना नहीं है कि एग्जाम में अच्छा ये क्वेश्चन आ गया इसका नहीं पता, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी बुक्स आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो फिर से मैंने एक बुक प्रेजेंट की है क्योंकि आपको पता है ना बुक काफी इंपॉर्टेंट रोल शो करेगी आपको एग्जाम में। आपने अगर एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तब आपको पता होगा कि एनटीपीसी के एग्जाम में कम से कम एक या दो बुक तो पूछी जाती है भाई, बहुत बार पूछी गई है एनटीपीसी के एग्जाम में। अभी जो आपका करंट में एग्जाम चल रहा है 2021 का, ठीक है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन भाई किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है कि जो लाइफ डिवाइन जो ये बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इजली कमेंट करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है भाई अरविंदो। जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, और आप सभी को क्या करना है कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। अरविंद विवेक कह रहे हैं ओके ओके, बिल्कुल आपके कमेंट्स जो है ना थोड़े से लेट आते हैं हमारे पास, बट कोई बात नहीं आपके कमेंट्स आ गए हैं, ओके आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप कह रहे हो ऑप्शन डी द लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है भाई किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बता दो बिल्कुल सही आंसर है आपका श्री अरविंदो, जो कि आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्लीज सभी भाई जितने भी लाइव हो आपको प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है जिससे कि हम सभी भाई एक साथ मिलकर क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकें और एग्जाम में उन सभी क्वेश्चनों को कवर करें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है भाई, क्या कह रहा है, सबसे दूर है, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे दूर की पूछी जा रही है, तो हर एक पॉइंट्स को ध्यान से रखना। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग सुदूर के दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, तो इजिली मुझे कमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे कि हम सभी भाई मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं, ओके। चार ऑप्शन प्रेजेंट हैं, तो इजिली कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ओके। चलो इसका आंसर भी आगे लो, इसका आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका देखो कहां कहां पूछा गया भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो आपका एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल दो आपका 2020 का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें,
और साथ में ये क्वेश्चन आपका शायद आरपीएफ के भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएफ के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरपीएफ का सेट तो आपको पता भी कितना डिफिकल्ट, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो थे ना उसमें थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आ रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है ना, स्पीड में वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी भाई पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये डेली क्लास आपकी 8 बजे होती है और हमें 25 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट बना के चल रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वाक्य ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप टिक कर लो, क्योंकि एग्जाम में चांसेस बन जाता है पूछने का। ओके, जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, स्वीडन, भूटान, भारत है। चार ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से कमेंट करें। आपको कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है कि वाकई ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था। चार ऑप्शन प्रेजेंट है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, भूटान, भारत। और जितने भाई हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके, क्योंकि जब हम मोटिवेट होते हैं ना तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर, और आपको पता है जब किसी में एनर्जी आती है तो कितने प्यार से हर एक काम किया जाता है, इसलिए कमेंट करें। ये क्वेश्चन जो आपको बता दूं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं है, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, इसलिए मुझे कमेंट करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था। आपका ऑप्शन बी प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहे हैं, स्वीडन कह रहे हैं, तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर भूटान है, जो कि आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पहली बार जो आपका निर्मित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो भूटान जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है। भूटान नोट कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है भाई, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजली कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो मैं बात करता हूँ ना इस वाले क्वेश्चन की, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बुक भी रिलेट कर देता हूँ मैं आपसे, ये बुक ना थोड़ी सी याद हो जाएगी आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पे लिखा हुआ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, एक पुस्तक लिखवा रहा हूं मैं आपको, द स्कोप, क्या भाई, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो बुक है भाई, किसकी बुक है, ठीक है, हैप्पीनेस जो बुक है ये किसकी बुक है, स्पीड में कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो पुस्तक है ये किसकी है, तो याद करना विजय लक्ष्मी पंडित जी की बुक है, किसकी, विजय लक्ष्मी पंडित जी की, और ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा भी गया, विजय लक्ष्मी, ठीक है भाई, क्या लिख लो, विजय लक्ष्मी पंडित जी की ये पुस्तक है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से कनेक्ट करो, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो पुस्तक है विजय लक्ष्मी पंडित जी की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इंग्लिश कुछ प्रॉब्लम होती है सर, बहुत, बट थोड़ी सी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको इंग्लिश में देखो प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भाई, डरो मत, डरना ही तो नहीं है, अगर आप पता है डरते हो ना तो आपकी जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन पावर जो होती है ना, लूज हो जाती है, कम हो जाती है। और एक बार अगर हम मोटिवेट अगर हो रखे हो, और अगर वो मोटिवेशन जो हमारे नीचे गिर जाए ना, तो फिर पता मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चाहे आपका पढ़ाई करने का मन हो, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने का मन हो, वो उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला है। इसलिए मोटिवेट रहना सीखो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को बस एक ही टारगेट बना लो कि सिलेक्शन लेंगे तो सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे, वरना कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, टारगेट बना लो, करेंगे तो सिर्फ एसएससी की जॉब, वरना कुछ नहीं करेंगे। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन देखो आपका बायोलॉजी से प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो भाई कुछ जो जीके की क्लास और जगह होती है, लेकिन वहां पे मैंने देखा, वहां पे मैंने नोट करके देखा कि
जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हो या फिर आपको हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हो ना, वो थोड़े से इजी पॉइंट करवाते हैं भाई। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को करवाना चाहिए। जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाले सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़, पॉप जड़ या फिर अविस्तंभ जड़। जल्दी से कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं यही कहूंगा जितने भाई लाइव है, ठीक है भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का क्या कर सके भाई, बेनिफिट उठा सके। ठीक है, आप सभी क्या करें, क्लास का बेनिफिट उठा सके। एक सेकेंड आपके कमेंट जो है, एक सेकेंड आप मुझे कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या, आपके कमेंट जो है, एक सेकेंड वेट, दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, आप हाँ आप हाँ इजिली कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, अविस्तम जड़, जो कि आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली जो सहायक जड़ होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको अविस्तम जड़ कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई साउंड इश्यू तो नहीं आ रहा ना, ये भी मुझे कमेंट कर दिया करो जिससे क्या हो कि मुझे भी पता चल सके बिल्कुल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगालीय वायसराय था भाई? ठीक है, भारत का जो पहला पुर्तगालीय वायसराय था वो कौन था? जल्दी से कमेंट करना, चार ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगालीय वायसराय था भाई, कौन था? वायसराय था, पुर्तगालीय वायसराय। चार ऑप्शन प्रेजेंट है, इजली कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, लाइक जरूर करना है जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सके। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो जितने ज्यादा आप शेयर करते हो ना, रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल गुलाब यादव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, फ्रांसिसको डी अल्मेडा, जो कि आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आंसर एक बार चेक कर ले, बिल्कुल आंसर जो इसका करेक्ट आंसर है आपका, और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन प्रेजेंट था ये। निम्न में से कौन भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे? जो कि आपका फ्रांसिसको डी अल्मेडा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया भाई, सीजीएल का क्वेश्चन था ये जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और याद रखना, अभी आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, अगर आप उसे एनालाइज करो, मैंने एनालाइज किया हर एक पेपर को, एनालाइज करो मैं इस समय। अब देखो हर एक पेपर को जब मैं एनालाइज करूँ तो मुझे पता है क्या देखने को मिल रहा है, चाहे वो आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो। ध्यान सुनना मैं बात को कहना क्या चाहता हूँ, ग्रुप डी का हो फिर या एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएल हो या फिर आपका एमटीएस हो या फिर आप कह सकते हो दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, इन सभी में क्या है, अगर आप देखोगे ना जितने भी आपके एग्जाम हुए अब तक, एसएससी का जितना भी पेपर हुआ है, एनटीपीसी का जो आपका पेपर हुआ है, चाहे दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है, मैंने पूरा एक सेट बना रखा है। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है ना 25 से कम आपको ना 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट देखने को मिलते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, ऑप्शन उत्तराखंड कह रहे हैं, ओके, यूके यूके कह रहे हैं भाई, उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष, ठीक है, राज्य वर्ष 2000 में बनाया गया था भाई, कौन सा बनाया गया था? तो कह रहे हैं उत्तराखंड, यूके यूके, बिल्कुल। तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं भाई गोवा, गोवा कब बना था, स्पीड में कमेंट करना भाई, गोवा की स्थापना कब हुई, सिक्किम की स्थापना कब हुई और साथ में उड़ीसा की कब स्थापना हुई, आपको ये भी कमेंट करके बताना है भाइयों। ठीक है, जल्दी से कमेंट करना गोवा की स्थापना कब हुई, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्पीड में कमेंट करें, सिक्किम की स्थापना कब हुई और साथ में उड़ीसा के, और सीएम और गवर्नर को भी कमेंट कर दो, चलो भाई। ठीक है, तो इजी कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अगर देखो मैं बात करता हूँ भाई गोवा की कैपिटल क्या है, ठीक है, गोवा की कैपिटल जल्दी जल्दी बताओ भाई, स्पीड में जल्दी जल्दी कमेंट करना है, गोवा की कैपिटल क्या है? ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दूंगा भाई, गोवा की कैपिटल क्या है जल्दी से कमेंट करें, गोवा की कैपिटल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गोवा की कैपिटल क्या है? सिक्किम, 1936 कह रहे हैं, देखो बिल्कुल
आपको बताना है। देखो अगर मैं बात करता हूँ सिक्किम, देखो सिक्किम की 1936 नहीं है, देखो मैं एक ही करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गोवा की, तो गोवा की कैपिटल क्या हो जाती है, वही पणजी हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 30 मई 1987, कब हुआ था भाई, 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। लार्जेस्ट सिटी की बात करें, ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया है भाई कि गोवा की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है, एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना बास्को, ठीक है भाई, क्या बास्को डी गामा, बास्को डी गामा जो है वो गोवा की क्या है भाई, लार्जेस्ट सिटी है। इस पॉइंट को नोट कर लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गोवा की लार्जेस्ट सिटी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बास्को डी गामा। 30 मई 1987 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल इसकी क्या हो जाती है, पणजी हो जाती है। साथ में भाई भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी क्या हो जाते हैं, यहाँ के सीएम हो जाते हैं। लिखते रहो भाई पॉइंट को, लिखते रहो, मेरे पास इतनी जगह नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के सीएम हो जाते हैं। और प्रमोद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रमोद सावंत क्या हो जाते हैं, गोवा के गवर्नर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को नोट करते चलना भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिक्किम के बारे में, जल्दी से कमेंट करना सिक्किम। देखो गोवा से रिलेटेड हर एक पॉइंट कवर कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सर बजट के नोट्स, बिल्कुल, अरे देखो बजट के नोट्स पे भी अभी भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, काम चल रहा है उस पर, काम नहीं वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस की तैयारी चल रही है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको 3 से 4 दिन में पक्का प्रॉमिस प्रोवाइड कर दूंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस, ओके, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मैं, बजट के टेंशन बिल्कुल मत लो। अब देखो मैं बात करता हूँ सिक्किम का, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 16 मई, ठीक है भाई, 16 मई 1975 को इसका फॉर्मेशन होता है। इसकी कैपिटल क्या है भाई, कैपिटल जरूर याद रखना सिक्किम की, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे गंगटोक, ठीक है भाई, क्या गंगटोक। अब देखो सिक्का गंगटोक इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बिल्कुल गंगटोक कह रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ऐसी नॉलेज आपस में शेयर करते रहा करो, बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। बजट से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ गवर्नर, ठीक है भाई, यहाँ के गवर्नर कौन है और यहाँ के सीएम कौन है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ सिक्किम के गवर्नर कौन है और सीएम कौन है। डेली क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस कर लेंगे स्टेट वाइज, जिससे आपको सीएम कैपिटल और साथ में उनका फॉर्मेशन कब होते हैं सभी पॉइंट्स आपको कवर होंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम नेशनल पार्क को भी कवर कर लेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, फिर आपके रामसर साइट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट कवर करेंगे। ओके, स्पीड में कमेंट करें भाई। यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं गंगा प्रसाद, ठीक है भाई, इस नोट को नोट कर लेना, गंगा प्रसाद क्या हो जाते हैं, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, इस पॉइंट को नोट करते चलो। और प्रेम सिंह भाई, इनके बारे कौन नहीं जानता, प्रेम, ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है भाई, प्रेम सिंह तमांग जो है वो कौन हो जाते हैं, तो आप कहोगे यहाँ के सीएम हो जाते हैं, कहाँ के भाई, सिक्किम के। नोट कर लिया आपने, 16 मई 1975 को फॉर्मेशन, कैपिटल गंगटोक, एंड यहाँ के जो गवर्नर रहते हैं गंगा प्रसाद, देखो नाम भी मैच कर रहा है गंगा, ठीक है, और साथ में सीएम कौन हो जाते हैं यहाँ के, प्रेम सिंह तमांग, ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले चलो उड़ीसा को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो उड़ीसा को भी अगर आप कह रहे हो तो बिल्कुल, आप देखो उड़ीसा की बात करो तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, बहुत अच्छी बात है, उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाती है, भुवनेश्वर, बहुत अच्छी बात है। देखो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, तो आप कहोगे भुवनेश्वर, ये पॉइंट नोट लेना, 1 अप्रैल, ठीक है भाई, 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है इसका फॉर्मेशन। देखो उड़ीसा को कैसे याद रखोगे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखो उड़ीसा, देखो ये जो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा, देखो ऐसे तो लिखोगे इंग्लिश में, तो उड़ीसा को भाई ऐसे कर दो 6, मतलब कि लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, 6 आना चाहिए। तो 1936 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल क्या हो जाते हैं भाई, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं उड़ीसा के। और नवीन पटनायक यहाँ के क्या हो जाते हैं, सीएम हो जाते हैं, ठीक है, नवीन पटनायक क्या हो जाते हैं यहाँ पे, यहाँ के सीएम हो जाते हैं। सर आपकी ट्राइंगल वाली वीडियो कुछ प्राइवेट क्यों है, ट्राइंगल वाली वीडियो प्राइवेट नहीं है, ट्राइंगल की वीडियो कहाँ से प्राइवेट, प्राइवेट वीडियो एक भी नहीं है, ठीक है, प्राइवेट जो वीडियो है वो एक भी नहीं है, सारी भाई पब्लिक के, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैथ्स की क्लास प्राइवेट क्यों होगी, ओके, तो ये सभी पॉइंट्स आपको कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, अगर आप कह रहे हो तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, ओके, जिस ट्राइंगल वाली वीडियो की बात कर रहे हो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कौन सी वीडियो प्राइवेट है।
अगर देखो वहां पे क्या, या तो फिर ऐसा होगा कि उसमें कुछ इशू हो गया होगा, जैसे नेटवर्क इशू, क्लास चली होगी कुछ देर, 5-10 मिनट, फिर उसके बाद वो नेटवर्क इशू आ गया होगा, तो प्राइवेट हो सकती है। क्योंकि आज भी आपका मॉर्निंग में क्या हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था और मैं क्लास ले रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा और यहाँ पे कमेंट भी शो नहीं कर रहे थे, तभी कहूँ कि कमेंट क्यों रुक रहे थे मॉर्निंग में। ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, एक बार, तीन बार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भाई, प्रस्तावना की बात कर रहा है, सॉरी 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, प्रस्तावना की बात कर रहा है। 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार कह रहे हैं। बिल्कुल गुलाब यादव जी, अगर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, एक है ए, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो नोट कर लेना एक ही बार हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना, और प्रस्तावना की मूलभूत जो ढांचा है ना भाई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भी पॉइंट्स नोट कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी। चार ऑप्शन प्रेजेंट है आपका, ऑप्शन ए है 1605 में, ऑप्शन बी है 1598 में, ऑप्शन सी है 1625, ऑप्शन डी है 1572। तो इजिली कमेंट करना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, और वीडियो को सभी शेयर कर दो भाई, जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें। और प्लीज सभी जल्दी से भाई वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दो जल्दी से। देखो शेयर करने का बिल्कुल मुश्किल से आपको 4 से 5 सेकंड नहीं लगते होंगे, ठीक है, 4 से 5 सेकंड नहीं लगते होंगे, और आप इजिली शेयर भी कर दोगे और क्लास में आप वापिस भी आ जाओगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि आप सभी भाई अपने भाई को सपोर्ट कर सको। देखो एक भाई दूसरे भाई को तो सपोर्ट करेगा भाई, जब तक आप सही भाई सपोर्ट नहीं करोगे फिर कैसे काम चलेगा भाई। आपको सपोर्ट करना है, जिससे कि मैं आपकी सभी क्लासेस जो हैं फ्री क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही टारगेट है भाई, एक ही टारगेट है कि हर किसी के पास एजुकेशन पहुँचना चाहिए। तो प्लीज़ जितने भी भाई लाइव हैं, आप सभी भाइयों को बस एक छोटी सी आपसे यही कहूँगा कि शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें और क्लास का बेनिफिट हर एक भाई उठाए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, 1605 भाई कब की थी, 1605 में 1558, देखो 1558 ऑप्शन बी नहीं, आपका ऑप्शन ए 1605 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर जो चढ़ाई की थी भाई 1605 में की थी, ओके 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, निम्न में से कौन सा शहर, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की क्वालिटी देखो भाई, क्वेश्चन की क्वालिटी दिख रही है आपको, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो शहर है वो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन ए तूतीकोरिन, या फिर ऑप्शन बी तिरुनि वेली, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, चार ऑप्शन प्रेजेंट है, इजिली कमेंट कर सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। वैसे ही क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका देखो कहाँ कहाँ पूछा गया है, एस एस सी सी पी ओ के टीयर सेकंड का एग्जाम था, ठीक है, उसमें पूछा गया है आपका। और ये क्वेश्चन आपका एस एस सी सी एच एस एल 2016, ठीक है, कब, 2016 में पूछा गया है। साथ में ये क्वेश्चन आपका एस एस सी MTS, ठीक है भाई, किसमें, MTS में पूछा गया है। तो 3 से 4 जगह पूछा गया, और भी जगह पूछा गया होगा, बट मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तूतीकोरिन, ठीक है, बेलोर नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन, जो कि आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है भाई। जितने भी भाई लाइव है, मुझे अगर कोई साउंड इशू हो देन आप मुझे जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि आपके पास साउंड की जो क्वालिटी है वो अच्छी जानी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो भाई, क्वेश्चन इजी प्रेजेंट है आपके सामने, इजी क्वेश्चन प्रेजेंट है,
इजली कमेंट कर इसका करेक्ट आंसर क्या है। मच्छरों में भाई हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, 5, 4, 4, 3, यहाँ पे दो ऑप्शन चार चार आ चुके हैं, इसको दो मान लो। स्पीड में कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है। मच्छरों में हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 5, 4, 2, 3, जल्दी से कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इजली मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा गया और आपको ही पता होगा कि बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत बार जो ये क्वेश्चन है ना ये आपको रिपीट होते हुए मिल जाएगा एग्जाम में। मच्छरों में हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 5, 4, 2, 3 मान लो, ठीक है। तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है भाई, 4 होते हैं, 4 होते हैं, याद रखना इस पॉइंट को, 3 नहीं होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं मगरमच्छों में, मगरमच्छों में, ओके, क्रोकोडाइल्स आप कह सकते हो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है, देश बंधु, लोकनायक, दीन बंधु या राजश्री, चार ऑप्शन प्रेजेंट है। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है, देश बंधु, लोकनायक, दीन बंधु और साथ में राजश्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में शेयर जरूर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टा ग्रुप में, जितने भी ग्रुप है भाई आपके, सब हर जगह शेयर कर दो, ठीक है। आप सभी भाइयों को ही शेयर करना है जिससे कि हम सभी एक साथ जुड़ सकें और क्लास को कम से कम मैक्सिमम टाइम के लिए रख सकें और आपकी जो मैथ्स की जो क्लास चलती है वो मैं फिर से स्टार्ट कर सकूं। तो इजली कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकनायक, ठीक है भाई, लोकनायक जो कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक के रूप में जाना जाता है, याद रखना लोकनायक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, जो क्या है आपका ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, और इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन को कर लो टिक, ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर लो आप, टिक कर लो, या आप कह सकते हो स्टार लगा लो भाई, 2 स्टार से 3 स्टार लगा लो, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है भाई, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी का जो भाई डार्विन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हर गोविंद खुराना, मार्शल बोरन को, या कैथरीन को, या फिर अनरेस्ट मेयर को। तो चार ऑप्शन प्रेजेंट हैं, इजली कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें भाई जल्दी से, साथ में शेयर कर दें जिससे कि सभी भाई जुड़ सकें और क्लास का बेनिफिट उठा सकें, ओके, इजली कमेंट करना भाई, ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि सभी भाई जुड़ सकें और क्लास का बेनिफिट उठाना है, ओके, इजली कमेंट करें। इजी क्वेश्चन है आपके सामने, 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपको बता दो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है आपका, ठीक है, ऑप्शन डी, मेयर, ठीक है, मेयर जो है अनरेस्ट मेयर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2021 में, बिल्कुल मेयर जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन जो आपका 2021 का जो आपका एग्जाम होने वाला है ना उसमें देखो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और मुझे ये भी कमेंट करो कि जो ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हो भाई, कौन कौन ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, जितना गुलाब यादव जी, बिल्कुल आप ये बताइए कि आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, जल्दी से इजिली कमेंट करना कि ग्रुप डी का एग्जाम भाई कौन कौन दे रहे हैं, जितने भी भाई लाइव हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर, और साथ में आप मुझे ये भी कमेंट कीजिए कि ग्रुप डी के एग्जाम कौन कौन दे रहे हैं भाई, ग्रुप डी का एग्जाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी कमेंट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भी मैंने प्रेजेंट कर लिया है, ग्रुप डी का एग्जाम भाई कौन दे रहे हो आप मुझे इजिली कमेंट करके बता सकते हो, यस सर, ओके ओके, आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हो, ओके, मैं आपसे यही कहूँगा गुलाब यादव जी, अगर आप क्या करते हो, देखो मैं आपसे मैं चाहता हूँ कि जो ग्रुप डी का एक बैच है ना वो स्टार्ट करो, देखो ग्रुप डी के बैच में क्या करने वाला हूँ मैं, मेरी टारगेट, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इस समय मैं क्या करूँ कि आपको पता है साइंस का जो पोर्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है,
और साइंस में क्या है, क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करोगे तो एक तो न्यूमेरिकल, ठीक है भाई, क्या एक तो आपको न्यूमेरिकल आपको, और साथ में क्या हो रहा है, क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन तो इजी पूछे जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रुप डी का बैच एक दो तो दिन में स्टार्ट करूँ, उसका जो टाइम रखूँ अपने हिसाब से देख लूँगा मैं कब रखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि सभी अपने भाइयों को भी बोल देना कि वो भी क्लास को बेनिफिट उठा सके। ग्रुप डी का जो सेशन सोच रहा हूँ मिलाने की, उसमें एक तो मैं टाइम देखो, क्वेश्चन की बात करूँ तो ग्रुप डी के साइंस के कम से कम मैं 2500+ क्वेश्चन एक तो डिस्कस करूँगा, तो 2500 क्वेश्चन, ठीक है। सुधा सिंह बिल्कुल आ चुके, सुधा जी आज क्या बात है, आज आप लेट आए, बहुत बहुत ज्यादा लेट आए सुधा जी। तो आपको बता दूं ग्रुप डी का मैं सोच रहा हूँ 2500 क्वेश्चन क्या करूँ, लेकर आऊँ साइंस के क्वेश्चन 2500, जिसमें से 200+ आपकी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन डिस्कस करूँ, कैसा रहेगा, कैसा सोच रहा हूँ, मुझे ये कमेंट करना, ठीक है, मुझे ये कमेंट करो कि कैसा रहेगा जो मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी के लिए स्पेशल एक क्लास स्टार्ट रखूं, जिसमें मैं 2500 क्वेश्चन डिस्कस करूं साइंस के और 200+ क्वेश्चन डिस्कस करूं आपके न्यूमेरिकल, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ओके। और सुधा जी आप बहुत आज लेट आई, क्लास जो है आपकी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्लास जो है ना ये आपकी 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। ये क्लास कब होती है आपकी, 8 बजे शाम को स्टार्ट हो जाती है, साथ में एक मॉर्निंग में आपका 10 बजे का भी सेशन चलता है, 10 बजे मॉर्निंग में। इसमें भी हम क्या करते हैं, जेके के टॉप क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम में क्या होगा पूछने को 100% देखने को मिलेगा, ओके, पूछा जाएगा भी, टेंशन मत लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। हार्टो कमेटी की रिपोर्ट में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो रिपोर्ट है भाई किस क्षेत्र से संबंधित है, शहरीकरण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्टो कमेटी की जो रिपोर्ट है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, चार ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट है, शहरीकरण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, जो कि आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL नहीं सॉरी CPO Tier 2 के एग्जाम में पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, शिक्षा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो आपके सामने यूनेस्को से क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, मुझे ये कमेंट करो भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, साथ में इसका इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, और यहाँ के हेड कौन है, ठीक है, यहाँ के हेड कौन है, ये तीनों पॉइंट आपको कवर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्या होगा आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप मुझे इजी कमेंट करना जो चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था, साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, और यहाँ के हेड कौन है, ठीक है, यहाँ के हेड कौन है, जल्दी से कमेंट करना, हेडक्वार्टर जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। देखो इसका फॉर्मेशन की बात करो तो 16 नवंबर 1945 का भाई, 16 नवंबर 1945 को इसका फॉर्मेशन होता है, 16 नवंबर 1945 को क्या होता है इसका फॉर्मेशन होता है, या आप कह सकते हो इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है भाई, फ्रांस का पेरिस, ठीक है, आप पेरिस बोल सकते हो, ठीक है, पेरिस फ्रांस, फ्रांस में इसका क्या पड़ता है भाई, हेडक्वार्टर पड़ता है। देखो आपको राइटिंग थोड़ी ना बंदिश लग रही होगी, बट पता पैड पे ऐसे चलता है, साफ तो लिख जाएगा लेकिन प्रैक्टिस, एंड इसके हेड कौन हो जाते हैं, तो ऑर्जुले टाइप के आप याद कर सकते हो, ठीक है, ऑर्जुले जो है इनके क्या हो जाते हैं भाई, हेड हो जाते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस वर्ष रामलीला को, रामलीला को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है, किस वर्ष किया गया है, 2010, 2008, 2006, 2012, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ, ये तो आपने देख लिया होगा, आपको ये देखने को मिल रहा है कि रियलिटी बता रहा हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट आपके साथ क्वेश्चंस तो कवर कर रहा हूँ ना। अगर आपको और कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप जरूर सजेशन देना, मैं उस पर भी काम करूंगा, ओके, मैं उस पर भी काम करूंगा, जिससे क्योंकि थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन अगर आपको
चाहते हो। वैसे तो मैं अच्छे क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ हमेशा, मेरी इच्छा होती है कि आपके सामने एक बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन जाए जो कि एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बने रहे। तो आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, 2008 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन जो भाई आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका होमवर्क हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना, जिससे कि सभी भाई हमारे साथ जुड़ सकें। और जितने भी भाई हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे वो भाई यहाँ पे एक बेल आइकन आ रहा होगा से, ठीक है, लिखा रहा होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी ना, तो आप बिल्कुल टाइम पर बिल्कुल लाइव आ जाओगे और क्लास का बेनिफिट उठा पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में सही भाइयों को शेयर करना है, जितने भाइयों आप सही भाइयों को देखो सपोर्ट तो करना बनता है अभी, ठीक है, सपोर्ट जरूर कर देना, जिससे कि हम सभी भाई आपके लिए बेटर से बेटर अच्छी क्वालिटी और अच्छे मैथ्स के सेशन में प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आपका एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन हो वो कंप्लीट हो सके। और आपको पता होगा कि मैं एडवांस मैथ्स का जो आपको कोर्स करवा रहा था बहुत ही औसम तरीके से करवा रहा था, आपने अगर नहीं देखा है तो क्लास जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने कितने इंपॉर्टेंट प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलना, और साथ में आपसे भाइयों को मॉर्निंग में 10 बजे और शाम को 8 बजे आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जीके के हम टॉप क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ओके बाय।